हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉमीज कैंटीनिया। मैं पल्लवी भी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे मानसून में होने वाली 8 खतरनाक बीमारी के बारे में। क्या इसके लक्षण हैं और क्या बचाव हो सकते हैं और कैसे हम बच्चों को इस बीमारी से बचा के रख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट आप सबसे है, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। चैनल बार बार देखना चाहते हैं कोई बात नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ एक लाल रंग का बटन है, ज़रूर क्लिक करें। कोई भी वीडियो का अपडेट मिस नहीं हो इसके लिए नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को हिट करें। तो चलिए फटाफट ये वीडियो शुरू करते हैं। एक चीज़ आप नोटिस करते होंगे, बरसात में जो मॉस्किटोज़ होते हैं या फिर कोई भी कीड़े मकोड़े की संख्या बहुत बढ़ जाती है, बिकॉज़ ये जो सीज़न होता है वो इनके लिए ब्रीडिंग सीज़न होता है। अभी वो बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए जो बीमारियाँ मच्छर से, मक्खी से या फिर जो भी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो आज हम बात करेंगे 8 ऐसी बीमारियों के बारे में, क्या उनके लक्षण हैं और कैसे हम अपने बच्चों और बड़ों को इनसे बचा के रख सकते हैं। सबसे पहली जो बीमारी है वो है डेंगू। जी हाँ, ये टाइगर मॉस्किटो के काटने से होती है और इसका लक्षण क्या है कि बहुत हाई फीवर होगा, जो आपका प्लेटलेट काउंट है वो बहुत तेज़ी से घट जाता है, बच्चे काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं और बहुत जल्दी सीरियस सिचुएशन हो जाती है। इससे बचाने का एक ही तरीका है, मॉस्किटो से बच्चों को बचा के रखें। इसलिए जब भी बच्चों को आप सुनाएं प्लीज़ मच्छरदानी ज़रूर लगाएं। कोई ज़रूरत नहीं है आपने मॉस्किटो रिपेलेंट का यूज़ किया है, वो काम करे नहीं करे, लेकिन मॉस्किटो नेट इज़ अ मस्ट। इसके अलावा बच्चों को जब भी बाहर आप खेलने भेजें तो मेक श्योर दे आर फुली कवर्ड, उन्हें फुल बाजू के कपड़े पहनाएं। मॉस्किटो रोलन आता है वो उनके कपड़ों पर लगाएं ताकि मच्छर की काटने से बच्चों को डेंगू नहीं हो। दूसरी जो बीमारी बहुत कॉमन है इस सीज़न में वो है चिकनगुनिया। जी हाँ, अक्सर आप न्यूज़ में देखते होंगे, दिल्ली में स्पेशली उस कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे ये हर साल होता है, डेंगू चिकनगुनिया ये होना ही होना है, क्योंकि वो एरिया काफ़ी अनहाइजीनिक है, वहाँ स्टैगनेंट वाटर है तो कहीं भी अगर रुका पानी होता है तो वहाँ इसके मच्छर बहुत तेज़ी से पनपते हैं। इसके लक्षण है जॉइंट में बहुत ज़्यादा पेन होना, बॉडी में बहुत पेन होना, बहुत हाई फीवर होना और तुरंत ही बच्चे काफ़ी सुस्त हो जाते हैं। तो इससे भी बचाव का सबसे अच्छा तरीका है आप मॉस्किटो नेट यूज़ करें, मॉस्किटो रोल ऑन यूज़ करें, बच्चों को फुली कवर्ड कपड़े पहनाएं और उनको हाइड्रेटेड रखें। जी हाँ, हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है, बच्चों को पानी खूब पिलाएं, जो भी लिक्विड चीज़ें हैं वो खूब दें ताकि बॉडी उनका हाइड्रेटेड रहे और ये बीमारी जो मच्छर काटने से होती है वो उन्हें कम से कम हो। नंबर 3, ये प्रॉब्लम है आपका मलेरिया। जी हाँ, आपको याद भी होगा भारत सरकार के बहुत सारे एड्स आते थे टीवी पे पहले, जहाँ बताया जाता था कि कहीं भी पानी जमा ना होने दे, कोई पुरानी टायर है वहाँ पानी है तो फेंके, कूलर के पानी को चेंज करें। ये बिल्कुल सही कहा जाता है, बिकॉज मलेरिया जो है वो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो के काटने से होता है, ये भी स्टैगनेंट वाटर पे होते हैं और इसके मच्छर जो होते हैं वो दिन के वक्त भी काटते हैं। इसीलिए अगर आपको लग रहा है कि दिन में हमने नेट नहीं लगाया तो क्या होगा, बिल्कुल नहीं, आपको दिन में भी नेट लगा के रखना है। चौथी जो प्रॉब्लम है वो है डायरिया। जी हाँ, बरसात में डायरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज अभी क्या है फूड बहुत जल्दी ख़राब होता है तो अभी अनहाइजीनिक फूड और वाटर से बीमारी बहुत जल्दी फैलता है। इसलिए बच्चों को या बड़ों को भी आप अभी बाहर का खाना अवॉइड करें, घर में भी कुछ भी बनाएं, फ्रेश बनाएं, कम बनाएं ताकि उसे स्टोर ना करना पड़े, बिकॉज आपको टेस्ट करके पता नहीं चलेगा चीज़ें खराब हैं या नहीं है, लेकिन वो ऑलरेडी ख़राब हो चुकी होती हैं और बहुत जल्दी लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं, कंट्रोल करते करते देर हो जाती है। इसीलिए बच्चों को हाइड्रेटेड रखें, बाहर का खाना पीना बिल्कुल ही बंद कर दें, उनको एक हैबिट आप डालें कि जब भी वो स्कूल्स में रहें तो हैंड वॉश करें, सैनिटाइजर यूज़ करें तभी अपना लंच करें। वॉशरूम वगैरह को लेके बहुत ज़्यादा उन्हें आप बेसिक चीज़ें बता के रखें ताकि वो इस तरह की चीज़ों से बीमार कम से कम पड़े। नंबर 5, ये टाइफाइड। जी हाँ, ये भी वाटर बॉर्न डिजीज़ है, यहाँ भी बच्चों को काफ़ी दिनों तक फीवर लगते रहता है, बहुत तेज़ आता है, कम हो जाता है, बॉडी पेन होता है, वॉमिटिंग होता है, तो यहाँ भी अनहाइजीनिक फूड एंड वाटर का रोल होता है। इसलिए बच्चों को आपको अनहाइजीनिक फूड वाटर बिल्कुल ही अवॉइड करना है, बच्चों को हेल्दी खाना देना है, पानी खूब पीने बोलना है, कवर्ड क्लोथ्स पहनना है, मॉस्किटो नेट का यूज़ करना है। ये जो कुछ चीज़ें हैं इसको बार बार करने से बच्चों की एक आदत हो जाएगी, वो ध्यान भी देंगे और बच्चे हमारे कम से कम बीमार पड़ेंगे। छठी जो प्रॉब्लम है वो है जॉन्डिस। जी हाँ, अभी जॉन्डिस भी बहुत तेज़ी से फैलता है, ये भी आपका फूड एंड वाटर से ही होता है, तो बच्चों को आपको फूड और वाटर पे बहुत ध्यान देना है। वो सारे फ्रेश फ्रूट्स खा रहे हैं, सारे खाने अच्छे से खा रहे हैं, अगर बच्चा आपका थोड़ा फूड अवॉइड कर रहा है, थोड़ा सुस्त दिख रहा है तो प्लीज़ उसे तुरंत चेकअप कराएं, हो सकता है उसे कोई प्रॉब्लम हो लेकिन वो बता नहीं रहा हो। एक्टिविटी जहाँ आपके बच्चों की डिफरेंट लगे ना, तो आप चेक करो उनकी यूरिन, चेक करो देखो कि आँख पीला तो नहीं है, हैंड्स वगैरह ठीक तो हैं, वॉमिटिंग तो नहीं हो रहा, अगर कुछ भी टेंडेंसी लगे तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। नंबर 7, ये है आपका कॉलरा। जी हाँ, ये भी सैनिटेशन की वजह से होता है, तो अभी आपको साफ सफाई पे बहुत ध्यान देना है, फूड हो गया, वाटर हो गया, जो सारी चीज़ें हैं जो मैं बार बार बोल रही हूँ,
ये सारी बीमारियां गंदगी से ही होती हैं। नंबर एट, ये वायरल फीवर, ये बहुत जल्दी फैलता है। तो मैं सजेस्ट करूंगी अगर आपके बच्चे को वायरल फीवर होता है तो उसे स्कूल ना जाने दें, बिकॉज हो सकता है उससे पूरे बच्चों को फैल जाए। क्या है, उनके डाइट पे, फूड पे, वाटर पे, सब चीज़ पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। साफ़ सफाई इज़ बहुत इंपॉर्टेंट। अगर वो बारिश में भीग के आते हैं तो प्लीज़ आप उन्हें एक हॉट शावर दें, उसके बाद ही उनका क्लोथ चेंज करें। ऐसा नहीं कि बारिश में भीग के आए हैं तो चलो कोई बात नहीं चेंज कर दिए, नहीं। फिर आप उन्हें गुनगुने पानी से साफ से नहलाओ, उसके बाद उनको अच्छे से मॉइस्चराइज करके कपड़े पहनाओ, बिकॉज बारिश के पानी में भीगने से भी बच्चे बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं। उन्हें आप गर्म गर्म चीज़ें खिला सकते हो, चिकन सूप दे सकते हो, आप उन्हें नॉर्मल कोई भी गर्म सूप दे सकते हो। अगर आप बड़े लोग हैं तो आप अदरक वाली चाय ले सकते हैं। तो ये सारे तरीके होते हैं जिससे हम बरसात में बीमार होने से बच सकते हैं और अपने बच्चों को भी हेल्दी रख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले कहा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें मॉमीज प्लांट इंडिया। थैंक यू।